अच्छा विद्यालय बनाने के लिए पहले शिक्षा मंत्री जी को सुधारना होगा ना। वो भी तो अभी तक समाचार उस घर में टीवी बैठ करके देख रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं आए? क्यों उन पर रिएक्ट करने नहीं आए? उनका क्या कोई कम नहीं है? क्या आराम से वो अच्छा टीचर को बैठने पसंद नहीं करते सोनू, उन वो अच्छे टीचर को पसंद नहीं करते। अगर अच्छे टीचर को पसंद करते तो आज आपके विद्यालय में अच्छे शिक्षक होते जो सोनू को मन से पढ़ाते, और सोनू आज फराटेदार अंग्रेजी बोलता वाले शिक्षक नहीं। तो क्या अच्छी करेंगे बताइए? तो हम उनका जिला शिक्षा पदाधिकारी 2020 से फोन लगाए थे, जो कि आज तक वो शिक्षा को सुधारते ही है, सर को समझाते ही रह गए। बताइए तो 4 साल से, 2-3 साल से सुधारते ही रह गए हैं बिहार को। आए बोलिए बोलिए फटाफट। हाँ सोनू, 2 मिनट केवल बोल दो, 2 मिनट। जो आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, आपको क्या समस्या है बेटा, बस ये जानना चाहते हैं। उसमें यही समस्या है कि उसमें जो है टीचर को ही नहीं आता है, और आरोप जो है मैंने लगाते हैं तो कुछ नहीं हो पाता है। हम लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और तुमको हम लोग सहयोग करेंगे, ठीक है? आप चिंता मत करो, हम लोग सब साथ देंगे, आपको आर्थिक मदद देंगे, पैसे की मदद। यस सर बोलिए। बात कर लो, 2 मिनट खाली बात कर लो, फिर आप कर लेना बात। अब अपना आप बोलिए ना भाई। हम हाँ सोनू, ये बताओ कि आपको जो है इस राज्य में आपका यही ना समस्या है कि टीचर पढ़ा लिखा होना चाहिए। टीचर पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन वहां पर पढ़ावेगा नहीं ना जाएगा था। 1 मिनट भाई, नहीं कट तो जाता है सारा संघर्ष। 1 मिनट पकड़िए पकड़िए, कौन इधर हाँ देखेंगे सोनू अभी उधर। बिजी हैं, लेकिन हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी लगातार बात करेंगे। मेरे साथी हैं वहाँ, रामानुज भाई, वो क्या बात कर रहे हैं। सर? हाँ बस सोनू, 3 सवाल है मेरा, 3 सवाल दे दो, फिर अपना तुम मजा मारो। जल्दी से बोलिए। पहला सवाल है बेटा कि आपको स्कूल में शिक्षक चाहिए, अच्छा चाहिए, इस यही ना समस्या है। अगर आज अच्छा शिक्षक होता तो क्या आप माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते? अरे भाई अच्छा शिक्षक रहते हैं तो भी वो जो है पढ़ाना नहीं ना चाहते हैं, आराम से बैठते हैं। कोई कोई काम से तो हम सरकारी संतुष्ट हैं ही नहीं शिक्षा पर। स्कूल में क्या सुधार चाहिए आपके विचार से? हमको विचार से सरकारी स्कूल में शिक्षा पर कड़ाई चाहिए, और जो शिक्षक है उन सब पर कड़ाई चाहिए, और एक शिक्षक है उनको डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि यार हमको तो रहेंगे तो हमको तो भविष्य बिगाड़वे करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो भी भविष्य बिगाड़ेंगे। हाँ भविष्य में, तुम उस दिन बोल रहे थे ना सोनू कि एक दीपक सर हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ने तक नहीं आता, वो शिक्षक बन के बैठे हैं। उन्हीं की बात हम बोल रहे हैं, उन्हीं की बात कि उन्हीं को निकाला जाए, वो क्योंकि एक दीपक हमको नहीं तो है सोनू, वो एक दीपक नहीं है, उनके जैसे जैसे लाखों दीपक अपने सरकारी स्कूल में शिक्षक बन के बैठे हैं और सोनू का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हमको इनके बारे में भी पता है तो इनके बारे में हम बोले हैं। अब दूसरा के बारे में पता नहीं है तो हम किसे नहीं, बोल पूरे सकते हैं? बिहार में यही है बेटा, आपको घूमने का मौका मिलेगा, पूरे बिहार में यही है समस्या। एक समस्या थोड़ी ना तुम्हारे यहाँ का है, हर जगह ऐसा ही शिक्षक है जिसको कुछ नहीं बुझाता, शिक्षक बन के बैठा है। अगर आज वो अच्छा पढ़ाता तो तुमको कोई समस्या नहीं होता, पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हाँ क्या बोलो? हम ये बोल रहे हैं कि तो उस शिक्षक पर कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं बताइए। एकदम कार्रवाई होगा, तुम चाहोगे हम चाहेंगे, कार्रवाई होगा, क्यों नहीं कार्रवाई होगा? अगर हो क्यों नहीं रही है, जिससे समय विलंबित हो रहा है, रोज उधर जाए उधर जाए, एक दिन का समय, जिसे समय भी एक समय ना होता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 मिनट का समय नहीं रहता, उसमें अगर हम जिसे हम लोग का भी तो समय रहेगा तब ना। अभी बिल्कुल 2 महीना बिल्कुल दिख जाएगा बिल्कुल उसी कर बिल्कुल तब सोनू, ना हम तो आपके लोग। विचार से सहमत हैं, आपके जीवन बर्बाद कर देगा वो ऐसा शिक्षक जिसको कुछ नहीं बुझाता हो, आपको कैसे पढ़ाएगा वो, आपको कैसे पढ़ाएगा वो? उसको 2 महीना के बाद आप उसको सस्पेंड करिएगा, डिसमिस करिएगा, तो 2 महीना हम लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से सोनू तुम मेरिटोरियस हो, तुम में मेरिट है, वैसा ही मेरिट वाला शिक्षक चाहिए, तब ना तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। सही बात है ना? ठीक
कितना भी मेरिट रहे उस शिक्षक जो है ना उस पर बिना कड़ाई वाले कोई उपाय नहीं है। कड़ाई जब तक नहीं होगा वो आवेगा कितना पढ़ल रहेगा कितना उसका डिग्री तेज का रहेगा वो आराम से आकर के कुर्सी डटे करेगा कोई नहीं पढ़ाना नहीं नहीं बिल्कुल 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 ये बात से मैं सहमत हूँ ये बात से सहमत हूँ सोनू। लेकिन जैसे तुमको अभी अंग्रेजी नहीं आता बोलने आप थोड़ा सा फंस जाते हो, तो अगर आपको अच्छा शिक्षक रहता बताने वाला रहता तो आज अंग्रेजी सिखाता ना, बताओ ये बात से सहमत नहीं हो? मीडिया वाले भाई वहां पर गए हैं तो उनसे पूछेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ये सब हमको बताया नहीं गया वो सरों को नहीं आता बताइए तो कम से कम पढ़ाना नहीं चाहते तो हमको कम से कम आप तो खुद तो जानिए ना भाई जब आपको पता है कि न्यूज में आपका चर्चा चल रहा है तो कम से कम याद तो करके आते तो कम से कम हम लोग को बता तो पाते ना अभी उसे दो दिन बैठा रहता है। नहीं आपका मैंने इंटरव्यू जो देखा था सोनू माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपने कहा था कि हमारी पढ़ने की इच्छा है और हम पढ़ना पढ़ नहीं पाते हैं हमको सहयोग करिए है ना एक अच्छा स्कूल चाहिए। फिर आपने इंटरव्यू दिया था कि यहाँ स्कूल में शिक्षक है उनको कुछ बुझाता ही नहीं है, तो हमको ये बात से बहुत प्रभाव हुआ और यही से मेरा विचार हुआ कि मैं आपको मिलूं और आपको जो भी समस्या होगा हम सभी अपने साथी हैं बहुत साथी हम लोग हैं वो सब मिल करके आपको सहयोग करेंगे इसलिए हम आज मिले हैं आपको अगर कोई भी दिक्कत होगा। एक मिनट सर, लेकिन हम सरकारी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहेंगे हमको हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते आपको हम आपको प्राइवेट स्कूल में हम लोग सब मिल करके पढ़ाएंगे और हम लोग सहयोग देंगे आपको। प्राइवेट स्कूल में आप लोग सहयोग कब तक देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक रहेंगे जब तक वो सहयोग देंगे उसके बाद जब वो उनका कुर्सी अगर छीन गई तो फिर कहां हम लोग जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री सहयोग थोड़ी ना देंगे बेटा सोनू, हम लोग सब बिहार के जनता सहयोग देंगे आप पढ़ना चाहोगे सब देंगे पटना के सब टीचर देंगे। हम बोले ना हमको केंद्र केंद्र विद्यालय में जाना है वो भी जो कि सैनिक हम जानते हैं कि उनमें उसमें अच्छा है एक चीज का बहुत ही अच्छा उसमें पढ़ाई होता है इसलिए हम उसमें जाना चाहते हैं। और हम बिहार सरकार वाला में नहीं आपके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें क्या गड़बड़ी है? उसमें सब उसमें 2 महीना आप समझा करके जाइएगा फिर वही बतावेगा कोई नहीं सुधरने वाला है हमको पता है सुधरेगा फिर वही बात क्या तो फायदा क्या है उससे है? फायदा कुछ है इससे बढ़िया रहने दीजिए और उसी रहने दीजिए। एक बात बताओ सोनू, एक बात बताओ बेटा अगर तुम प्राइवेट स्कूल में चले जाओगे तो तुम्हारे जैसा जैसे लाखों सोनू इस बिहार में है उनको कहां से मिलेगा अच्छा शिक्षा? क्या उसके लिए अब संघर्ष नहीं करोगे? उनके लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं तो हमको पर ही आरोप लगाते हैं कि तुम पढ़ने नहीं आता है तो आरोपो लगाते हैं फिर कहते हैं उनको खुद तो आता नहीं है आरोप भी लगाते हैं बताइए सब काम मने वे करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बेटा, तो तुम उसको लाखों सोनू के लिए संघर्ष नहीं करोगे? ये क्या सरकारी विद्यालय को नहीं सुधरवाओगे वहाँ अच्छा व्यवस्था अच्छा शिक्षक नहीं लाओगे? जिला शिक्षा पदाधिकारी जी को बोलिए ना वो तो आए और डीओ साहब बंद करके गाड़ी में बैठ करके चले गए वो क्या किए आज भी उनको डिसमिस करने आए जब उनको पता है कि कुछ नहीं जानते हैं तो उनको डिसमिस करने क्यों नहीं आए वो है क्यों नहीं आखिर कर रहे बताइए। उनको भर्ती करने वाला भी तो जो दोषी है भर्ती करने वाला जो पैसा लेकर के भर्ती कर दिया वो दोषी है कि नहीं है सोनू बताओ? क्या दोषी है जो पैसा लेकर के उसको भर्ती कर दिया गलत टीचर को जो सोनू को पढ़ा नहीं पा रहा क्या उसकी गलती नहीं है? उसकी भी गलती है लेकिन उससे ही ना पूछेंगे पहले उसको खत्म करिए उसके बाद उसके तक ना पहुंचेंगे पहले आप बंदर तक पहुंचिए उसके बाद वो आपको फल देगा समझे उसको हम यही संघर्ष कर रहे हैं। सोनू जो तुम्हारा बेटा जो तुम्हारा समस्या है कि बिहार में एक अच्छा शिक्षक चाहिए सोनू को पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था चाहिए कोई पैसे की कमी ना हो अच्छा शिक्षक और विद्वान शिक्षक चाहिए हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पटना के सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं पुलिस से लाठियां खाते हैं सोनू और इसीलिए हम तुमसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए आज मिले हैं। तुमको कोई समस्या होगा हम तुमको सहयोग करेंगे मिलजुल करके करेंगे। सोनू तुमको कोई दिक्कत हो बेटा तो एक बार बोलना तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा हम वचन दे रहे हैं तुमको तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी कोई भी समस्या हो हम उसका हल करेंगे ये बात तुमको कह रहे हैं। बैंक में खाता खुलवा लिए? खाता भी नहीं खुला है खुल जाए खाता खुलवाओ खाता खुलाने के लिए पैसा है 500 रुपया है
क्या सर? 500 रुपया है कि मैं भेज दूं? नहीं है। पैसा है तो उसको खुलवाओ, खाता नंबर दो, मैं पैसा भेजूंगा, सब लोग हम लोग मिल के भेजेंगे। और सुन लो एक बात और, एक बार जाते जाते कड़े शब्दों में सरकार को संदेश दे दो कि सरकार को क्या करना चाहिए अच्छा विद्यालय बनाने के लिए। अच्छा विद्यालय बनाने के लिए पहले शिक्षा मंत्री जी को सुधारना होगा ना, वो भी तो अभी तक समाचार घर में टीवी पर करके देख रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं आए? क्यों उनका रिएक्ट करने नहीं आए? उनका क्या कोई कम नहीं है? क्या आराम से वो अच्छा टीचर को पसंद नहीं करते सोनू? वो अच्छे टीचर को पसंद नहीं करते? अगर अच्छे टीचर को पसंद करते तो आज आपके विद्यालय में अच्छे शिक्षक होते जो सोनू को मन से पढ़ाते, और सोनू आज फराटेदार अंग्रेजी बोलता। बोलो, इसके लिए आप संदेश नहीं दोगे उनको कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आप अच्छे शिक्षक मेरिट वाले शिक्षक लाइए विद्यालय में, जब तक मेरिट वाले शिक्षक नहीं है तो क्या अच्छी करेंगे बताइए? तो हम उनका जिला शिक्षा पदाधिकारी 2020 में फोन लगाए थे, जो कि आज तक वो शिक्षा को सुधारते ही है, सर को समझाते ही रह गए। बताइए तो 4 साल से 2-3 साल से सुधारते ही रह गए बिहार को। आए